हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 एनिमल वर्ल्ड। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्लास 3 की माय इंग्लिश रीडर बुक। इसका चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बताऊँगी, इसके मीनिंग्स, और फिर सारे इस चैप्टर को समझेंगे। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड का मतलब जानवरों की दुनिया, एनिमल वर्ल्ड। आई स्पीक, आई से, आई टॉक। मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो ये कौन हमसे बच्चों कह रहे हैं? ये हमसे एनिमल्स कह रहे हैं। एनिमल्स बोल तो पाते नहीं, पर आवाज़ों के ज़रिए वो हमें क्या कहते हैं? कुछ जो उनके मन में होता है, कुछ कहने की कोशिश करते हैं। कैट्स, अब कैट्स बिल्लियाँ, कैट्स पर ये पूरी आवाज़ें दी हुई हैं जो अलग अलग एनिमल्स बोलते हैं। कैट्स पर का मतलब बच्चों यहाँ है कि जैसे जो कैट अपने जब दोनों पंजों को आपस में स्क्रैच करती है तब जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं पर। लाइंस रोर, लाइन क्या करता है? रोर, दहाड़ता है। दहाड़ने की आवाज़ सुनी है ना, तो टीवी में आपने सुनी होगी, तो उसको बोलते हैं रोर। आउल्स हूट, हूटिंग की। आउल्स नाइट में ट्रीज पे होते हैं तो हूट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं आवाज़ों से। किस आवाज़ से? हूट से। बियर्स स्नोर, स्नोर का मतलब घराटे लेना। बियर्स भालू, बियर्स कैसे आवाज़ निकालते हैं? स्नोर। क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट क्रीक। यहाँ पे बच्चों क्रिकेट्स का मतलब बैट बॉल नहीं है, क्रिकेट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा इंसेक्ट, वो क्रीक करता है। क्रीक का मतलब क्या? झी 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 की आवाज़। यहाँ से आपको मैं इसका वर्ड लिख के बताती हूँ, जब वो ये झी की आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं क्रीक। माइस स्क्वीक, माइस क्या होता है? चूहिया। जब घर में कई बार जब कोई रैट आ जाता है, कभी आपको आवाज़ें आती हैं ना कोई चीज़ की, छोटी 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 सी कच 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 ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्क्वीक, स्क्वीक की आवाज़। चीक्सी, शीप बा, शीप क्या आवाज़ निकालती है? बा बा। तो ये जो है जो एनिमल्स आवाज़ें निकालते हैं, वो बट आई स्पीक, वो कहता है मैं सारी चीज़ें ये ऐसी आवाज़ें निकालता हूँ फिर भी मैं बोलता हूँ, वो इन्हीं आवाज़ों से एनिमल्स बोलते हैं। मंकीज चैटर, मंकी कैसी आवाज़ निकालते हैं? चैटर। काउज मू, डक्स क्वैक, क्वैक क्वैक करती है ना डक्स, वो किसकी आवाज़ है? डक्स की, उसके बोलने का तरीका है। डव्स कू, डव क्या होता है? डक की तरह ही एक बर्ड है जो स्विम करता है, उसको डव बोला जाता है। पिग्स स्क्वील, स्क्वील क्या करना? चिल्लाना। स्क्वील पिग्स, उनकी एक अपनी आवाज़ है। हॉर्सेस ने, हॉर्स को आपने आवाज़ करते सुना है ना, ने ने करके आवाज़ निकालते हैं। चिकन्स क्लक, क्लक क्या होता है? कुड़ कुड़ करना, कुड़ 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 की आवाज़ें आती है ना जब तीन चार वो चिकन्स को, उनको इकट्ठे हम जब देखते हैं पोल्ट्री फार्म में या वैसे भी, तो वहाँ पे क्लक 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 ऐसी आवाज़ें आती हैं। बट आई से, कहते हैं इतनी आवाज़ें निकालते हैं मैं कुछ कहता हूँ। एनिमल्स क्या बोलते हैं कि हम ऐसी आवाज़ें निकाल के हम बोलते हैं, ऐसी आवाज़ें निकाल के हम कुछ कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइज हम, फ्लाइज जब आपके आसपास कोई फ्लाई इधर उधर घूम रही होती तो कैसी आवाज़ आती करके आती है ना, उसको बोलते हैं हम। डॉग्स ग्राउल, अब भौंकने को क्या बोलते हैं? ग्राउल। न्यू न्यू वर्ड्स भी आप साथ में सीख रहे हो। बैट्स स्क्रीच, बैट्स क्या करते हैं? स्क्रीच करते हैं। बैट ये है, अपना बैट बॉल मत समझ लेना, इसको बोलते हैं बैट। कोयोट्स हाउ, कोयोट्स क्या होता है? ये एक एनिमल होता है जैसे ये देखो फॉक्स की तरह,
ये करते हैं हाउल। फ्रॉग्स क्रॉक। फ्रॉग्स कैसे करते हैं टर टर, तो उस टर्टर की आवाज़ को क्रॉक बोला जाता है। पैरेट्स स्क्वैक। पैरेट क्या करते हैं क्वैक। बीज बज। बीज क्या करती हैं बज, आवाज़ आती है ना हनी बी की, कभी ध्यान से सुनना। तो ये सारी कहती हैं हम ऐसे बोलते हैं। फ्लाइज या जो बर्ड्स होते हैं ना वो सारे कहते हैं ये हमारी आवाज़ें हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स ने क्या बोला, ये हमारी आवाज़ें हैं हम ऐसे कुछ कहते हैं। ये यहाँ पे एनिमल्स ने क्या बोला कि ये हमारी आवाज़ें हैं हम ऐसे बोलते हैं, कि एनिमल्स भी अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। वर्क इन पेयर्स, यहाँ पे हमें जंबल्ड दिए गए हैं, उसके आगे हमने उनको सीधा करके लिखना है कि वो एक्चुअल में वर्ड है क्या। तो चलिए करते हैं। पहले क्या आएगा जंबल वर्ड, इसके लिए आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं ना ये सारे स्पेलिंग्स लर्न करने पड़ेंगे तभी आपको जंबल आएगा। यहाँ लिखेंगे क्योट्स, सी ओ वाई ओ टी ई एस। सेकेंड इज ये आएगा मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज। देन एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी। ये अब क्या आएगा हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स। देन कम्स हॉर्स, हॉर्सेज आएगा क्रोकोडाइल, सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई। तो ये हमारे जंबल्ड हो गए। अब नीचे कहा है मैच ईच बेबी एनिमल विद इट्स पेरेंट। अब देखो काफ, इसके लिए आपको बेबी एंड एनिमल एंड इट्स बेबी वाला चार्ट करना पड़ेगा, मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट में बोलोगे ना तभी मैं शेयर करूंगी, मुझे पता लगेगा कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। काफ, काफ किसका बेबी है, काफ काओ का, काओ कहाँ है काओ, तो इसको हम मैच करेंगे डी के साथ। जॉय कैंगरू का, इसके साथ। कब किसका बेबी है टाइगर। देन किटन, ये तो सबको पता है कैट, ये लर्न करोगे ना इनके बेबीज तभी आ जाएंगे फटाफट आपको याद। पपी डॉग, डकलिंग डक। देन किड, किड आ जाएगा आपका गोट। फोल, फोल किसका हॉर्स। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइजेस इसकी टू कर ली और इसका कंसेप्ट भी समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।